हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैंने हमारे देखा, जैसे कि आप लोग इंटरफेस में देखिए, जो कि मैं स्टोर की बात करता हूँ, आप लोग ब्रेड में वाई1 होगा जिसमें चला रहा होगा आप लोग 7.1 का, जो कि नॉकआउट में रन कर रहा है। बट मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा आप लोग जिसमें आप लोग 8.0 का अपडेट ला सकते हैं वाई1 में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मेरी ट्रिक फॉलो कीजिए, आप भी अपने रेडमी वाई1 में और यो अपडेट ला सकते हैं। तो मैंने सोचा यार कि मेरा भी वाई1 है जो कि काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है, तो लेटेस्ट फ़ोन में लेटेस्ट वर्जन भी चलना चाहिए। तो मैं ट्रिक बताऊँगा आप लोग किस टाइप से आप लोग अपडेट कर सकते हैं ओरियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल न्यू होते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर क्लिक कर दूंगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलो जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे प्राप्त हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा रेडमी वाई1 देख सकते हैं आप लोग, अब इसमें आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कर लीजिए। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन कर लेते हैं हम उस ऐप को। उस ऐप को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद कुछ स्टेप आ जाएगा इंटरफेस। आप लोग सोचेंगे यार थीम लॉन्चर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लास्ट तक देखते रहिए। जैसे स्टार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप का आ गया इंटरफेस। जैसे हमारा देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो फंक्शन है हमारे फ़ोन का वो चेंज हो चुका है, और पूरी सेटिंग भी हमारी चेंज हो चुकी है। अब मैं स्टेट सिस्टम में दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ़ोन है 8.0 में रन करने लगा, जो कि ओरियो में अपडेट आ गया हमारे फ़ोन में। तो मैंने बता दिया आप लोग किस स्टेप से अपने रेडमी वाई1 में अपडेट कर सकते हैं ओरियो का, एकदम 100% प्रूफ साथ दिखा दिया मैंने आप लोगों को किस स्टेप से आप लोग अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को ओरियो में। तो पूरी सेटिंग भी चेंज हो चुकी है, आपका स्टेट बार भी चेंज हो चुका है, पूरा जो फंक्शन है आपका वो 8.0 में रन करने लगा है, जो कि नॉकआउट में चल रहा था अब ओरियो में चलने लगा है। तो है ना काफ़ी कमाल का ये। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना ना भूलो जिसमें आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा वीडियो बना के। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय माता दी।